गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास सेकेंड की बुक इंग्लिश रीडर का लेसन 7, जिसका नाम है केयरलेस ग्लोरी। ग्लोरी किसी का नाम है और केयरलेस केयर है लापरवाह ग्लोरी। इसका मतलब क्या है? केयरलेस ग्लोरी का मतलब लापरवाह ग्लोरी। तो सबसे पहले हम लेसन शुरू करने से पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि आपको जो यहाँ पे जो वर्ड्स मीनिंग दे रखी है, इसका आपको वर्ड्स का मीन याद है या नहीं। अगर याद नहीं है तो हम एक बार इसको देखते हैं, पहले याद करते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। पहला आपको दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, BOOMED, बूम्ड। बूम्ड मीन्स, पता है किसी को? नहीं पता हो तो एक बार और पढ़ो उसकी स्पेलिंग, BOOMED, बूम्ड। बूम्ड बूम्ड का मतलब होता है धड़ाका होना या धमाका होना, एकदम से गरजना होता है ना, अपन बोलते फटाके फूट रहे, बम फूट रहा है, तो बूम्ड या बम्ड। अपन इसको दो चीज बूम्ड पढ़ सकते, मतलब बूम्ड, ठीक है। सेकेंड है पैनिक्ड। क्या है यहाँ पे? पैनिक्ड का मतलब होता है घबराया या घबराया हुआ, ठीक है। थर्ड है आपको यहाँ फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना, अपन बोलते ना फॉरवर्ड करो तो आगे बढ़ाओ, तो आगे करना। सेकेंड है, फिर फोर्थ है आपको यहाँ पे शिवर्ड, SHIVERED, शिवर्ड। क्या पढ़ेंगे इसको हम? शिवर्ड, तो यार ठिठुरना, ठंड से ठिठुरते ना, से आवाज आती है अपन को, तो ठिठुरना, तो शिवर्ड। होपिंग, HOPING, होपिंग। होपिंग मीन्स आशा रखना या आशा करना। declared यानी घोषित करना या घोषित किया। यहाँ आपको LEKAGE, लीकेज। लीकेज यानी रिसाव या पानी लीकेज होता है, बोलते पानी टपक रहा है, टपकना, तो उसको लीकेज बोलते हैं। ड्रोन मीन्स होता है डूब कर मरना। क्या होता है ड्रोन? मीन्स डूब करके मरना। नेक्स्ट है ELIMINATED, इम्प्लीमेंटेड। तो इसका मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेड का मतलब सफाया, मतलब साफ करना, हटाना, वो रास्ते से हटाते ना, वो हटाना। नेक्स्ट है COMPETITION, कॉम्पिटिशन, मतलब प्रतियोगिता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो हमने स्पेलिंग जांच का मतलब जो वर्ड्स दे रखा है आपको यहाँ पे, ये इतने वर्ड्स की हमने क्या जान ली? मतलब जान लिया। अब हम इसके आगे का लेसन शुरू करते हैं, ठीक है। ग्लोरी द लिटिल मंकी woke up when the sun was high up in the sky. ग्लोरी किसका नाम है? एक छोटा सा मंकी का नाम है। और वो कब उठता है? जब सर के ऊपर सूरज आ जाता है, मतलब बिल्कुल दिन चढ़ जाता है, तब वो उठता है। The day was perfect for playing hide and seek. वो हमेशा दिन के साथ hide and seek खेलता, मतलब छुपन छुपाई। अगर दिन में सोना होगा तो रात तक खेलेगा, ऐसे मतलब वो टाइम का बिल्कुल परफेक्ट नहीं है वो। ऑफ द वेंट टू फाइंड हिज फ्रेंड्स, अब वो अपने फ्रेंड को ढूंढने निकलता है। सॉरी, हाइड एंड सीक खेलने के लिए वो क्या करता है? अपने फ्रेंड को ढूंढने निकलता है। फर्स्ट वो किसके पास जाता है? फर्स्ट ही केम एक्रॉस हॉरिस द हिप्पोटामस। हिप्पोटामस जो है जानवर, उसका नाम क्या है? हॉरिस नाम है।
वो किसके पास रहता है फर्स्ट में? होरिस के पास। उसे बोलता है लेट्स प्ले हाइड एंड सिक, क्या तुम हाइड एंड सिक खेलोगे? चुपक ताली बोलते हैं ना, चुपक ताली वो हाइड एंड सिक, क्या तुम चुपक हाइड एंड सिक खेलोगे मेरे साथ? He called out from the top of a tree. वो कहां से बोलता है ये बात? पेड़ के ऊपर जाकर के, टॉप मतलब पेड़ के ऊपर ऊपर जाकर के बैठ करके ये बात वो बोलता है। No today glory, boomed Horace. क्या बोल रहा है वो? नहीं आज नहीं ग्लोरी, बूंद चिल्ला करके गुर्रा करके बोलता है। कौन बोलता है चिल्ला करके? होरिस। क्यों? उसकी वो हिप्पोटोनिस, क्या है वो? हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस जो है उसका नाम क्या है? होरिस है। तो होरिस क्या बोलता है? नॉट टुडे ग्लोरी, आज नहीं। टुमोरो इज द बिग फिशिंग कॉम्पिटिशन, आई हैव गो टू क्लीन माई बोट एंड चेक फॉर लीक्स, यू शुड बी डूइंग द सेम, डोंट यू थिंक? क्या बोलता है? आज नहीं खेलूंगा, कल मेरा क्या है, कल मेरा क्या है? एक सेकेंड यार, तो क्या बोलता है वो होरिस? आज नहीं, क्यों? क्योंकि कल हम, कल क्या है? बिग फिशिंग कॉम्पिटिशन। फिशिंग कॉम्पिटिशन है अपन मछली पकड़ने का काम, मछली पकड़ने वाला एक गेम होता है ना, उस गेम का क्या है? कॉम्पिटिशन में प्रतियोगिता है। तो मुझे क्या करना है उसके लिए? आज नहीं खेलूंगा मैं, क्यों? क्योंकि कल क्या है? फिशिंग कॉम्पिटिशन है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? बोट एंड चेक फॉर लीक्स, मतलब मुझे क्या करना है? एक तो क्लीन, मेरे बोट को क्लीन करना है और उसको चेक करना है कि कहीं उसे वो लीक तो नहीं करेगी, क्योंकि अगर मैं फिशिंग करने जाऊंगा और अगर मेरी बोट लीक करेगी तो मैं हार जाऊंगा। तो वो क्या करता है, क्या बोलता है कि मुझे है ना, मैं आज मैं इसलिए नहीं खेलूंगा कि मेरे कल क्या है, बहुत बड़ा बिग कॉम्पिटिशन है, फिशिंग कॉम्पिटिशन है, और मुझे मेरे बोट को क्लीन करना है और उसको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? You should be doing the same. तुम भी ये काम कर सकते हो, Don't you think? अगर तुम ये तुम ये क्या सोच रहे हो तो कि No, I will go tomorrow morning. तो वो क्या बोलता है? I will go, I will do it tomorrow morning. तो ग्लोरी क्या उसको जवाब देता है? नहीं मैं आज नहीं, मैं कल करूंगा, सवेरे मॉर्निंग में ये काम करूंगा। Just then come U.S. the lion. इतने में क्या होता है, लोयन, लोयन जो उसका नाम क्या है, लुकेस नाम है, क्या नाम है उसका? लुकेस। वो क्या तक आता है, देयर इज नो वे यू डिड गेट मी एनीवेयर नियर द वॉटर इवन इन अ बोट, ही शुड कम ऑन ग्लोरी आई विल प्ले। मुझे कोई काम नहीं है पानी से, मुझे पानी से क्या लगता है, डर लगता है, और मैं पानी में जाऊंगा तो क्या ठिठुर जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए फ्री हूं, तो ग्लोरी आई विल प्ले, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। तो सो दे प्लेड हाइड एंड सीक अंटिल द सन वेंट डाउन, कब तक खेलते रहे वो? जब तक सूरज डूब नहीं गया, मतलब जब तक अंधेरा नहीं हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लोरी गॉट अप लिटिल लेट, थोड़ा नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन वो क्या हुआ, ग्लोरी थोड़ा लेट उठा। अच्छा, तो हमने इस स्टोरी में अभी तक क्या तक पढ़ा, कैसा इस स्टोरी में हमको ऐसा लगता है कि जो ग्लोरी नाम का लड़का बंदर है, मंकी है, वो क्या है, बहुत आलसी है, बहुत लेजी है, वो उसको मतलब काम की कोई परवाह नहीं है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।